इंडिया के अंदर टोल कलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें टोल प्लाजास पर रुककर कैश देना पड़ता था टोल कलेक्शन के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक्स बहुत ज्यादा लगते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NHAI ने 2014 में फास्ट टैग्स लाए और कार के अंदर ऑटोमेटिक फास्ट टैग के थ्रू रीड करके अकाउंट से बैलेंस काट करके टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि कई बार ये देखा जाने लगा सिस्टम फेलियर की वजह से कई जगहों पर टोल कट नहीं हो रहा था, और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कई बार टोल टैक्स ना कट होने की वजह से वहां पर टोल प्लाजास पर ट्रैफिक लग रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2024 के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, जिसको जानने से पहले आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर GPS सैटेलाइट्स यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके थ्रू ANRP कैमरास लगे हुए हाईवे के ऊपर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरास हैं, जो कार की डिस्टेंस को कैप्चर करेंगे और GPS के थ्रू आपके अकाउंट से डायरेक्ट टोल कट जाएगा। मतलब अब आपको डिस्टेंस के बेस पे टोल देना पड़ेगा। आपको ये प्रोसेस कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।